हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा।
Hare Rama
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramande, Hare Sachinanda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram रविवार विधि भोज कार्यक्रम की हरे कृष्ण मंगलाचरण करेंगे ओम ज्ञान द्विरंजस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरौ श्रीपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसमितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिताशविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रष्ठाय विदुरेशमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपश्चात्तदेशधारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय विदुरेशमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नाम्ने श्रीभाषभानुविधिविदयिताय विप्राप्ताय कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्यभक्तिदर्शन गौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दिन्ताणि नृपाणं वृद्धावसिद्धान्तदान्तहारिणे नमो भोगिशिवाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलप्रसादे पदां भजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग्रहायते गौरावीरमहाभूमिस्त्वं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौमश्रीजगन्नाथाय नमः वाञ्छकल्पद्रव्येभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतिष नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसौधुरं भक्तावतारं भक्ताख्यमनमय भक्तशक्तिकं हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोऽस्तुते जयतां सुरतोपं गुरुमं मन्मथगतिं सर्वस्वपदां भवजो राधामदन्मोहनम्
दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादहर्षमदरत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीराधा श्री गोविंददयो निष्ठलीयमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारं भीवंशीवटतटसितपरशुरवनु सुनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तु नः तप्तताञ्जनगौरांगि राधे वृंदावनेश्वरि कृष्णभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुरासरि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तो रखे हैं तो हम लोग भागवत कथा ही करेंगे, लेकिन पुस्तक भागवत नहीं भक्त भागवत की कथा करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ही मुझे सेवा का मौका मिला था तो हम लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रवचन को हम लोगों ने सुने थे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करे थे। आज भी हम लोग उसकी अगली श्रेणी में जाएंगे, थोड़ा उसका रिपीटेशन भी कर लेंगे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़े थे और उसको आगे कैसे लेके जाना है। भजन का प्रथम पंक्ति था भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, तो उसमें हम लोगों ने क्या समझे थे। हम लोगों ने उसमें ये समझे थे, मैं जस्ट उसका ट्रांसलेशन थोड़ा समझा देता हूँ। वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि क्योंकि मैं आपके चरण कमल को भूल चुका था इसलिए मैं इस भौतिक संसार में आके गिरा हूँ। लास्ट टाइम कितने लोग थे जब ये भजन हम लोगों ने चर्चा किए थे आप लोगों में से? कोई नहीं, सब ने भूल गए। भक्ति है ना, जो भक्ति हम लोग जो प्रयास कर रहे भी करने के लिए या तो सत्संग, वो निरंतर होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में तो ब्रेक होता है क्या उसमें? चल दो साल गैप ले लेता हूँ बाद में पढ़ाई चालू करता हूँ, ऐसा करते हैं? या तो दो महीने गैप ले लेता हूँ बाद में पढ़ाई, ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। खैर मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने क्या बताया है कि मैं आपको भूल गया था करके मैं भौतिक संसार में पड़ा था, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो व्यथा है आपके चरण कमल को ग्रहण करने से पहले जो मेरी व्यथा है उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं माता के गर्भ में था तभी आपने मुझे दर्शन दिए और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन क्या हुआ, जब मैं गर्भ से बाहर आया तो इंद्रिय तृप्ति में लग गया। फिर जब मैं पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, जब संतान के रूप में मैं गर्भ से बाहर आया तो मैं अपने रिश्तेदारों या स्नेहीजनों का प्यारा हो गया। तो छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है ना, तो सब लोग लाड़ लड़ाने लग गए। तो उस वात्सल्य में मैं पूरा डूब गया और मैं आपको भूला हुआ ही रहा, मतलब तभी भी आप मुझे याद नहीं आए। देखिए ना रीज़न क्या है वो देखना। उसके बाद दिन प्रतिदिन मैं बढ़ते गया, किशोरों के साथ खेलने में व्यस्त हुआ। जब मैं किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तो मैं खेल में लग गया। हम लोग बच्चे रहते खेलते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते तो। और बाकी जो कुछ समय था वो पढ़ाई में ध्यान देने लग गया। मतलब वहाँ पर भी मैंने आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपका चिंतन आदि, आपकी सेवा आदि नहीं किया। उसके बाद अपनी शिक्षा के वर्ष में अहंकार को प्राप्त किया और उस वजह से मैं एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करने लगा, धनोपार्जन के लिए जाने लगा। क्योंकि शिक्षा की प्राप्त किया उसकी वजह से इंद्रिय तृप्ति में लगा, क्योंकि आजकल की शिक्षा क्या है वो हम सबको पता है। तो फिर धनोपार्जन में लगा, परिवार बना तो उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सेवा में लग गया, लेकिन आपकी सेवा को मैं पूर्णतया भूल गया। तो उस अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। और मैंने अपना किए बिना मैंने उसको व्यर्थ गवा दिया है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये समझे थे कि ये हमारी परिस्थिति है,
तो हम सबकी परिस्थिति यही है, हम लोग अभी भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, थोड़ा भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कीर्तन इत्यादि में भाग लेते हैं। उसके पीछे हम लोग का कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई ये संसार में कुछ मिलता है नहीं। एक फर्स्ट ये है कि भाई संसार से थोड़ा उब चुके हैं, भगवान की शरण में आते हैं। हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं जब जाके किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, कोई एक सपोज एक समस्या उत्पन्न हुई है और हम लोग अपने प्रयासों से उसको निवार करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो क्या करते हैं? तब भगवान के पास आते हैं कि भाई अभी आप ही बचाओ। लास्ट में जहाँ पहले जाना चाहिए वहाँ पे लास्ट में आते हैं। तो हम सबकी अवस्था कहीं ना कहीं उसी प्रकार से है। कोई लोग प्रेमवश आए हैं तो बहुत अच्छा है, प्रेमवश आना चाहिए भगवान के पास। लास्ट टाइम जब इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस अवस्थाओं को डिस्कस किया था, तब हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में गए थे कि क्या अवस्था होती है, कौमार्य अवस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में क्या होता है, जब हम गर्भ में रहते हैं या किशोर अवस्था में रहते हैं या युवावस्था प्राप्त करते हैं या तो वृद्धत्व प्राप्त करते हैं, उस समय हम लोग कैसे ना कैसे ऊपर ऊपर से हम लोगों ने देखा था। अभी अविद्या के बारे में उसका आगे का भजन है, ये है ना एक पुस्तक है वैष्णव पदावली करके, इसके अंदर में वैष्णव गीतों का संग्रह है पूरा। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर विरचित जो भजन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला भजन जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने किस कृपावश इस जगत में अवतार धारण करके हम सबके उद्धार के लिए उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया और शिक्षा प्रदान की गोस्वामियों के मार्फत, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा जो भजन है वो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ जहाँ पे वो रिपेंट कर रहे हैं कि मैं मतलब पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं अभी वृद्ध हो गया और मैंने मेरा पूरा जीवन इस तरह से गवा दिया है, अभी उसको विश्लेषण कर रहे हैं आगे के भजन में। थोड़ा हम लोग फास्ट भी जाएंगे। एक्चुअली उसका एक जो निवारण है जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए उसका तीसरा या चौथा भजन है। तो पहले थोड़ा मेरे मन में ख्याल था कि उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन अज्ञान कैसे हम पर हावी होता है वो भी जानना जरूरी है। अज्ञान क्या है, अज्ञान कैसे बढ़ता है, उसका विस्तार क्या है। हम लोग छोटा छोटा तो देख लिया, भाई गर्भ में था तब भूल गया, युवावस्था में खेल किशोरावस्था में खेल में भूल गया, युवावस्था में कमाने में भूल गया और अपने परिवारजनों का ख्याल रखने में उनकी सेवा करने में निकल गया और वृद्धत्व में तो कुछ बचा ही नहीं, सभी की सभी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, सेवा करने लायक भी नहीं हूँ, नाम जप करने लायक नहीं हूँ, सुनने लायक नहीं है, आंखें कम हो गई है रोशनी। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली ये इस श्लोक के ऊपर इसकी वजह से आना पड़ा मुझे, मतलब ये भजन के ऊपर, इसके लिए मैं सोचा कि उसको वन बाय वन जाते हैं क्योंकि उसमें संग्रह भी वैसे ही किया हुआ है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। आज सुबह एक भक्ति का स्मरण करके तो उनका मैं अभी कुछ धर्म के बारे में कुछ लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर्स कम वो वहाँ पे कैसा है गृहस्थों को अलग अलग प्रदेशों से जो गृहस्थ हैं, जो लोग ऑलरेडी भक्ति में अग्रेसर है, जो लोग भक्ति की प्रक्रिया में लगे हुए हैं कई सालों से, तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे सब गृहस्थ बैठे हुए हैं। हर एक का अपना अपना परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वास्तविक गृहस्थ जीवन क्या है, उसकी परेशानियाँ क्या है, गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति को कैसे अग्रेसर हुआ जाए, उसके बारे में वो थोड़ा विचार विमर्श का वाला वीडियो है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में है। उसमें चर्चा यहाँ से शुरू हुई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो जैसे गृहस्थ जीवन में कुछ लोग बताते हैं कि प्रभु जी अभी हमारा जॉब का स्केड्यूल ऐसा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जाता है, मेरा जॉब का स्केड्यूल ऐसा है, या तो माता जी लोगों का घर का स्केड्यूल ऐसा है, या उनके परिवारजनों का जो सेवा वगैरह रहता है उसमें वक्त नहीं मिलता है, जब करने को समय नहीं मिलता है, या तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे हैं, या तो पति पत्नी के बीच में कुछ सामंजस्य नहीं बन रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों में बन रही रही है, अगर उन दोनों में बन रही है तो बच्चे सुनते नहीं हैं। अब ये सब अवस्था में गृहस्थ जीवन में रह के कैसे भक्ति करना चाहिए और ये प्रॉब्लम्स का निवारण क्या है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अगर वो डिस्टर्ब करेंगी तो हम लोग कहीं ना कहीं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते ना, व्यथा आ जाती है,
आदि व्याधि उपाधि में से एक जो है मानसिक व्यथा प्राप्त हो जाती है हमको, और हम लोग अच्छे से नाम जप नहीं कर पाते या सेवा नहीं कर पाते। हम सबके जीवन में ये अवस्थाएं आते रहती है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं उसमें से एक अवस्था से गुजरा हूँ। तो उस टाइम पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई समस्या आती है जीवन में तो हमको भगवान की और हमारे गुरु है वैष्णव है उनकी ओर अग्रसर होना चाहिए उस चिंता को लेके कि इसका निवारण क्या है। हम लोग ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास स्वयं इसका निवारण नहीं, यानी जो भौतिक जीवन में जो लोग रचे पचे हैं उनके पास जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है वही स्वार्थ। वो लोग अपने स्वार्थ हेतु आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फायदे के लिए, आपका निवारण करने के लिए नहीं करते हो, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। अच्छा अभी डॉक्टर के पास गए, अभी कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था ऐसे ही, तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ज़्यादातर जो ये मेडिकल टेस्ट करके होता है कि भाई डॉक्टर लोग बोलते हैं हर साल आपको मेडिकल टेस्ट कराएं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जब वो मेडिकल टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर कई डॉक्टर ऐसा होते हैं, कोई डॉक्टर है तो बुरा मत लगाना, कुछ लोग ऐसे है और ऐसा अनुभव आई थिंक आप लोगों को हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, तो वो लोग उसको देख के अपना फायदा करने का सोचते हैं कि चलो आज बकरा हाथ में आया इसको काटते हैं थोड़ा, इसको तो समझ आता नहीं है, तो बोलेंगे अरे बाकी सब ठीक है आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम है, ये दवाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा करके आपको खर्चे में लगाते रहते। तो ऐसे ही मनोचिकित्सक रहते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके दोस्त हैं आपके परिवार वाले हैं, जब आप उनके साथ हमारे भौतिक जीवन का कोई प्रश्न लेके जाते हैं तो क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा बन गया है स्वार्थी, खुद का फायदा देखने का, कोई भी चीज़ में कोई भी जो वस्तु है उसमें हम लोग का एक स्वभाव बन चुका है, हम लोग अपना फायदा ढूंढते रहते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं रिलेशंस को मैनिपुलेट करते हैं उसको, उसका फायदा। तो यहाँ पे जो आगे का भजन है तो मैं सॉरी तो मैं वो जो सुन रहा था वहाँ पे जो अलग अलग जो भक्त लोग थे वो उसका विवेचन कर रहे थे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो मैं उसमें वही सोचा कि सबके पीछे एक जो मूलभूत कारण जो दिखने में आया वो है ज्ञान का अभाव। हम लोग क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है ना, हमारे जो प्रश्न है हमारी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं है, कहाँ जाना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। जैसे कई बार कुछ लोग हमको यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि गुरु को कैसे पहचाना जाए या तो सही साधु कौन है, ऐसे प्रश्न होते हैं ना, और इस अज्ञान की वजह से जहाँ पता नहीं होता है कि गुरु कौन होता है साधु कौन होता है इस शास्त्र क्या है, उस अज्ञान की वजह से क्या होता है वो लोग कहीं ना कहीं गलत चुंगल में फंस जाते हैं, गलत व्यक्तियों के हाथ में फंस जाते हैं, जिसका हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ऐसे अनुभव किए हैं, काफ़ी ऐसे जो लोग साधु बन के बैठे थे उनको देखा है हम लोगों ने कि उन लोगों ने कैसा लोगों के विश्वास का दुरुपयोग किया और उनका शोषण किया अलग अलग प्रकार से। तो हर जगह पे ये शोषण वृत्ति है, हर जगह पे हर कोई फायदा उठाने का प्रयत्न करता है, कौन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, क्योंकि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगना है, तो कहीं ना कहीं जब उनके पास कोई आता है अपनी समस्या लेकर तब वो क्या करते हैं उसका शोषण करने का प्रयत्न करते हैं अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे आगे के भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, मैं सीधा ट्रांसलेशन पढ़ूंगा ध्यान से सुनिएगा और उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। सीधा भजन और ट्रांसलेशन और उसके ऊपर चर्चा, जनरली सामान्यतः मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं पढ़ के उसके ऊपर चर्चा करूँ, क्योंकि उतना ज्ञान में रखता नहीं हूँ, तो जो आचार्यों ने हमको दिया है उसको ही थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रथम पंक्ति में बताते हैं, मैंने अपना समय विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत करके आपके चरण कमलों का भजन करने की परवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूं। देखिए क्या बता रहे हैं, आगे भी आया यहाँ पे जो आगे का भजन था उसमें क्या बताते हैं कि मैं जैसे बड़ा हुआ शिक्षा के अंधकार वश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा, और यहाँ पे वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि मैंने अपना समय विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत करके आपके चरण कमलों का भजन करने की परवाह नहीं की। ये ज्यादातर भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें चार तरह के लोगों को बताया गया है जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते।
उसमें से एक है माया अभ्यत ज्ञाना, जिसका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया गया है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि नहीं है, साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे साइंटिस्ट है तो उसका विद्या तो कितना फ़ायदा करता है हम लोगों, है ना, साइंटिस्ट लोग सब फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे बिजली की खोज नहीं हुई थी तो क्या करते थे, हाँ, गाड़ी की खोज नहीं हुई तो क्या करते थे, ऐसा सब सवाल लोग करते हैं। लैपटॉप है, आप लोग भी तो यूज़ करते हो लैपटॉप मोबाइल, तो विद्या, तो यहाँ पे बताते हैं कि विद्या का फल, जो मैंने विद्या अर्जित की उसका फल भोगने में मैंने क्या किया, समय व्यतीत किया और आपके चरण कमलों के आश्रय लेने में मैंने परवाह नहीं करी। तो ये जो लोग हैं इन लोग का कैसा है कि वो विद्या का पार्जन करते, एक्चुअली वो अविद्या एक तरह से भौतिक विद्या है। जब कोई विद्या जो कृष्ण की ओर हमको अग्रसर नहीं करती है उसको अविद्या समझा जाता है, वो हमको भगवान की ओर नहीं ले जाता, कहाँ लेके जा रही है। अभी देखिए इतने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अभी ये यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, जो उसका युद्ध चल रहा है, उसमें हर दो तीन दिन के बाद एक पुतिन का एक स्टेटमेंट आता है कि हमने हमारे एटम बम्स जो है न्यूक्लियर वेपन से उसको एक्टिवेट कर दिया है, ऐसा करके हर दो तीन दिन में एक बार वो धमकी आता है, फिर उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, अरे वो डाल देगा तो बाकी भी डाल देंगे, संसार का विनाश हो जाएगा। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था, उसका उद्देश्य था कि एनर्जी की प्राप्ति करे वो, ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो सके, किस चीज़ के लिए, हमारे जीवन को और कंफर्टेबल बनाने के लिए। ये एक वैज्ञानिकों की शोध का वो रहता है कि भाई चलो कुछ ऐसी शोध करें जिससे व्यक्ति का जीवन थोड़ा आरामप्रद अच्छे तरीके से कंफर्टेबल वे में चले, लेकिन उसका अभी क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है ना, उसका गलत तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभी चलो उसका सही तरीके से उपयोग किया हम लोगों ने आरामप्रद अवस्था में, जिसको हम लोग समझते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार करके एक स्लोगन है, हर किसी ने सुना होगा, बोलते भाई सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए। तो सादा जीवन क्या है, सादा जीवन यह है जहाँ पे हमको हमारे जीवन को चलाने के लिए, यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रख कर हमारा जो भी कर्तव्य है उसके पालन के लिए हमको जो करना पड़े वो करना, उससे अधिक नहीं। आज हम लोग सुबह में पेपर लिख रहे थे ये उपदेश अमृत के ऊपर में, आज एग्जाम था तो उसका लिख रहे थे, उसमें एक सवाल था वहाँ पे सादा जीवन उच्च विचार के बारे में बताओ करके। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, व्यर्थ प्रयासों में लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि भाई मुझे साइकिल नहीं है तो साइकिल चाहिए, ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोग उसको, हमारी जो विद्या है, जो हमने विद्या प्राप्त करी है जीवन निर्वाह के लिए, भौतिक जीवन, भौतिक विद्या की बात कर रहे हैं, जीवन निर्वाह के लिए हम उसमें भी अग्रसर हो जाते हैं, उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करके, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने में लगाते हैं उसको, है ना। अभी जैसे टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में अच्छे क्वालिटी का फोर व्हीलर चाहिए, एक अच्छा सा छोटा सा घर है जिसमें पर्याप्त मात्रा में हम लोग रह सकते हैं, नहीं मुझे अभी उसमें स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए, ऐसे करते करते क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तो अभी सवाल ये आता है कि भाई ये डिमांड जो बढ़ रही है तो हम अच्छे जीवन के लिए कर रहे हैं ना, अब गर्मी में बैठ के जाप करना और एसी में बैठ के जाप करना फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, भगवान का नाम जब अच्छे से होगा एसी में बैठेंगे तो, होता है ऐसा नहीं होता, एसी में नींद आ जाता है जब करते करते, जल्दी नींद आता है। कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता में जैसे बताया है कि सम शीतोष्ण सुख दुख होता है, सुख दुख और ठंडी गर्मी में हमको जैसे समान रहना चाहिए और फिर भक्ति में संलग्न होना चाहिए, ना ही कि भक्ति का जो समय है, जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, उस समय को व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति का जो ग्रेडेशन है उसका स्तर है उसको बढ़ाने में लगा है, हम लोग उसमें लगाते हैं। हमारा शरीर चलाने के लिए सादा खुराक लेना पर्याप्त है ना, चपाटी सब्जी दाल चावल हो गया, सलाद हो गया, बहुत हो गया अपना, लेकिन हमको क्या चाहिए, डिजाइनर डिश चाहिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके जिसका एक सब्जी का प्राइस 250-300 रुपये हो, उतने में पूरा घर खा लेगा घर पे, लेकिन वहाँ पे जाके डिजाइनर डिशेज चाहिए क्योंकि जीवा का टेस्ट थोड़ा और बढ़ाने का है, भले उसका क्वालिटी कैसा है कोई देखने नहीं जाता आजकल, क्योंकि किचन में तो कोई जाके देखता नहीं है, अगर कोई किचन में गया होगा तो पता चलेगा उधर क्या चलता है, खैर उसमें नहीं जाएंगे, टीवी में भी दिखाते हैं क्या क्या चलता है बाद में, अपने यहाँ पे तो ऐसा कोई फूड डिपार्टमेंट है नहीं जो
उतना सीरियसली रेड करता हूँ ये सब रेस्टोरेंट्स को, लेकिन कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि विद्या का जो उपयोग है वो हमको भगवान की ओर अग्रसर, हमारी भक्ति में अग्रसर होने के लिए करना चाहिए, ना ही कि हमारे व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने में। आगे बताते हैं, अपने विद्यायन के दौरान मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि भौतिक ज्ञान के द्वारा मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब होगा, अच्छा नौकरी होगा, अच्छा धंधा पानी करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। सिखाते हैं ना सब लोग कि नहीं सिखाते? हम लोग यही सिखाते हैं ना बच्चों को। कभी हम लोग बच्चों को ये बताते हैं बेटा हर रोज 16 माला करो, ऐसा सिखाते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा ऐसा सिखाते हैं? हर रोज रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ये सिखाते हैं हम लोग? कितने लोग सिखाते हैं? सच्ची बोलना, कितने लोग सिखाते हैं? ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं, किससे जीवन सही होगा? सिर्फ पढ़ाई करके अच्छा नौकरी प्राप्त करने से, या साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए ज्ञान ग्रहण करने से? तो फिर क्यों नहीं सिखाते? ठीक है, हम में से कितने लोग रोज पढ़ाई करते हैं, कितने लोग रोज ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए? तो मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे? अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञान जरूरी है, गुरु के पास इसलिए जाया जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु बिना गोविंद नहीं होता, क्योंकि गुरु से ही गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग खुलता है, उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे हम लोग गोविंद के चरण कमलों में शरणागत हो सकते हैं। संडे टू संडे नहीं बनाना चाहिए, संडे टू संडे आइए, प्रति रविवार यहाँ पे आइए, ज्ञान ग्रहण कीजिए, आरती में भाग लीजिए, कीर्तन करिए, प्रसाद पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से जब चार्ज होके आप जाते हैं, आप यहाँ से जो शक्ति प्राप्त करके जाते हैं उसको पूरे वीक तक चलाइए, घर जाके थोड़ा आधा घंटा पढ़ाई के लिए निकालिए, साथ में बैठ के घर पे भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए, थोड़ा कीर्तन करिए, ये करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कि समय नहीं मिलता है। सही समस्या क्या है? समय है या हमारा मन है? सही समस्या क्या है? हमको नहीं करना वो समस्या है कि समय नहीं है वो समस्या है? ये आपको सोच रहे हो, क्योंकि समय है, सवाल ये है कि वो समय का हम लोग सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, कि फिर उसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं गप्पे मारने में। जैसे अभी चौराहे पे मिलते हैं, गलती यूक्रेन का है, उसको सरेंडर करना चाहिए था, तब दूसरे ज्ञानी महापुरुष बताएंगे नहीं 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 नहीं, तुमको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है। चू अच्छा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम डॉलर का जो वैश्विक करेंसी है वो है, रशिया चाहता है कि रूबल वैश्विक करेंसी बने, तब तीसरा बोलता है नहीं 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 प्रभु आप गलत जा रहे हो, आपको पता नहीं है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है? तो बताएंगे नहीं 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 नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी पड़ोस में कोई दुश्मन को लाके बिठाएगा तो आप चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? तो इस प्रकार की व्यर्थ बातों में आप घंटा दो घंटा हम लोग निकाल देते हैं कि नहीं? या तो पड़ोसी ने क्या किया उसमें गंवा देते हैं, या तो स्टील का मार्केट इतना हाई हो गया है कैसे करना चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हम सब लोगों को उपदेश देंगे लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे, और इसकी व्यर्थ बातों में हम लोग समय व्यतीत करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा जीवन का सबसे बड़ा अर्थ क्या है, सबसे बड़ा स्वार्थ जिसको बोलते हैं मेरा अर्थ, जिसमें मेरा फायदा है, मेरा लक्ष्य क्या है, विष्णु की ओर गति करना। अगर उसके अलावा हम लोग दूसरी जगह पे हमारा ध्यान लगा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। अरे प्रभु जी कमाना तो पड़ेगा, घर संसार लेके बैठे हैं, आप तो कुछ भी बोल देते हो। हाँ तो कमाओ, लेकिन कितना? क्या पूरा जीवन उसके पीछे भागते रहना है? जितना समय मिला है वो पूरा का पूरा उसके पीछे व्यर्थ करना है? नहीं। क्यों? जब ही ये मैं जो चर्चा विचारना जो सुन रहा था गृहस्थ धर्म का, उसमें कुछ एक
प्रॉब्लम था कि एक जो दंपत्ति थे उनमें कुछ मन मुटाव था, उनके बीच में कुछ मन नहीं रहा था और तलाक तक मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच गया कि अभी हम दोनों छूटे अलग हो जाएंगे करके। तो उसमें एक प्रभु जी है जो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये पूर्व कर्म है, उसकी वजह से ये हो रहा है। किस वजह से? पूर्व कर्म। तो कुंडली जो उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रभु जी थे वो एक्चुअली वो उनके दुश्मन है, पिछले जन्म का कोई दुश्मन ही होगा तो अभी वो इस जन्म में उनके पति के रूप में आए हैं और अभी वो उनका भाग्य बन के बैठे हैं, स्त्री के भाग्य में वो बैठे हैं कि स्त्री को कष्ट मिलेगा तो पुरुष की ओर से मिलेगा, या तो पुरुष को मिलेगा तो स्त्री की ओर से मिलेगा। ठीक है, उसका निवारण क्या है? निवारण क्या है उसका? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यश कीर्ति स्त्री सुख संतान सुख आयु स्वास्थ्य धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति ज्ञान ये सब हमारे कर्मानुसार हमको मिलता है जैसे जन्म लेते हैं, सही है ना? सुना कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं दिन रात गधे की तरह। शास्त्रों में लिखा है गो खरा, हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। तो क्या उससे हमको वो ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम लोग सुनते हैं ना, अन्न का एक दाना भी नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और है तो कहीं जाएगा नहीं। हम लोग सुनते हैं, इसीलिए गीता में बताया गया है समशीतोष्ण सुख दुखता, जो भी अवस्था की हमको प्राप्ति हो रही है जीवन में उसके खिलाफ लड़ने के बजाय हमको जाना किधर चाहिए? विष्णु की ओर गति करनी चाहिए, क्योंकि इन सब समस्याओं का समाधान किधर है? विष्णु की ओर गति करने। तुकाराम जी को उनकी पत्नी ने पीट दिया, उनका बरोबर नहीं था, तो तुकाराम जी ने क्या किया? चलो साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेते हैं, क्या इश्यू है? जो अभी आजकल वो कंसल्टिंग करते हैं दंपत्ति का, उनके पास जाते हैं, ऐसा कि वो भगवान के भजन में लगे रहे। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो ठंडी और गर्मी के समान बताए गए हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग काफी कुछ इकट्ठा करके लेके आए हैं, तो वो सुख के रूप में हो या दुख के रूप में हो उसको भोगना पड़ेगा, उसे छूट नहीं सकते हैं। और सुख दुख कैसे होता है? वो मन का है ना, उसको मन बताता है ना, ये सुख है ये दुख है। अभी किसी को कुछ स्वीट पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, तो क्या वो गलत है तीखा या जो मीठा है वो गलत है? नहीं, वो आपका मन का है, आपको ये पसंद है आपको ये पसंद है। कोई किस अवस्था में खुश रह सकता है, कोई दूसरी अवस्था में खुश रह सकता है, एक की अवस्था दूसरे के लिए सही नहीं है। जैसे मछली है वो जल में आनंदित रहती है, उसको बाहर लेके आएंगे तो आनंदित नहीं रह पाएगी, और हमको अगर जल में डाल दिया तो दोनों का अवस्था अलग अलग है, वो उसकी जगह पे खुश हम अपनी जगह पे, लेकिन दूसरे का देख के हम लोग ईर्ष्यावश क्या होते हैं, दुख होना शुरू हो जाता है हमको, या हम अपनी अवस्था से भागने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, मन को भगवान की सेवा में लगाओ। मन को भगवान की सेवा में लगाने से क्या होगा? हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया हैं उनको हम लोग इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा मूलभूत स्वरूप है सच्चिदानंद रूप, उसकी धीरे धीरे प्राप्ति होती है हमको, जो आनंदमय है, और उसकी प्राप्ति होने पर कोई सुख या कोई दुख वो दोनों कैसा है? तुच्छ समान है। नहीं तो इतने धनी जो ना सनातन गोस्वामी रूस गोस्वामी, उनके पूर्व जीवन में कितने धनी थे, वो सब छोड़ छाड़ के क्यों वृंदावन में झाड़ झाड़ रहने लगे, नीचे नीचे एक झाड़, आज का दिन इस झाड़ के नीचे, दूसरा दिन दूसरे झाड़ के नीचे, इतना वैराग्य क्यों, इतना कष्ट क्यों? हमारे लिए कष्ट था, वो नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उनकी लीला स्मरण में रहा करते थे, उनके लिए वो दुख नहीं था, क्योंकि उनको क्या मिला है, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हुई है जो नित्य निरंतर बढ़ते रहता है। प्रभु जी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कीर्तन का, क्या आपने अभी था ना, हाँ कीर्तन का, तो उसमें शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद की प्रतिपद वृद्धि होते रहती है, चेतना शुद्ध होती है, जितनी चेतना शुद्ध होगी उतना हम अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और ये हमारा मूलभूत अवस्था है।
लेकिन अज्ञान की वजह से हम लोग क्या समझते हैं, मैं दास नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं। और जब हम हमारी अवस्था से अवस्था को भूल जाते हैं, हमारा मूलभूत कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कहां पे फिट हो रहे हैं, जब वो हम लोग भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम दुख को प्राप्त करते हैं वहां पर, भले वो सुख के रूप में आए या सही में पीड़ा के रूप में आए, हमको उसको भोगना पड़ता है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे एक मशीन का कोई एक पुर्जा है, उसका वैल्यू कब तक रहता है, जब तक वो अपने मूलभूत स्वरूप में वो मशीन के साथ जुड़ा रहा है तब तक, उससे अलग हो गया तो स्क्रैप में जाएगा, है ना, भंगर में चला जाएगा वो, है कि नहीं। तो हमको हमारी मूलभूत अवस्था क्या है उसका ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमको ये ज्ञान मिला ही नहीं है, अविद्या की प्राप्ति करके बैठे हैं, इसके लिए हम लोग क्या लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे गधे की तरह चूहे की तरह भागते रहते हैं पूरे जीवन। खोज हमारी आनंद की है, क्योंकि हम सच्चिदानंदमय है, हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है, आनंदमय है, इसके लिए हम लोग आनंद की खोज करते रहते हैं, लेकिन किस जगह पे, गलत जगह पे, अपने आप को क्या समझ के, शरीर मानकर, भगवान का दास मानकर नहीं, एक आत्मा जो भगवान का दास है वो मानकर नहीं। तो जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, जहां से सब शुरू हो रहा है, हमारी जो पहचान है, उसका जो अज्ञान है, उसकी वजह से हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि परंतु मेरी लालसा फलोत्पादक नहीं रही, क्योंकि भौतिक ज्ञान तुच्छ है और अविद्या यानी मोह का कारण है। भौतिक ज्ञान कैसा है, जो भी हम लोग चर्चा कर गए, वो जो इंद्रिय तृप्ति में लगने में काम आता है, वो भौतिक ज्ञान कैसा है, तुच्छ है, और वो क्या करता है, मोह उत्पन्न करता है, अलग अलग वस्तु में मोह उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम लोग कष्ट को प्राप्त करते हैं। समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा माया की चाले हैं, देखिए बहुत अच्छे से बताया है, तथा आपके भजन में बाधाएं हैं। देखिए ये सब भौतिक इच्छाओं के बारे में क्या बताया हुआ है यहाँ पे, भौतिक शिक्षा के बारे में, ये माया की अलग अलग चाल है, ये हमको क्या करते हैं, भगवान से दूर लेके जाते हैं। हम अपने आप में पफ्ट अप होके घूमते रहते हैं, मेरा इतना ज्ञान है, मेरा इतना ज्ञान है। कई बार तो हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी इससे मोहित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि भौतिक इच्छा इतनी भरी पड़ी है कि भाई मैं तो बंदर से आया हूँ, केमिकल का कॉम्बिनेशन हूँ, है ना, ऐसा सब रहता है ना कि नहीं रहता है, और डार्विन कह के गया है ना, बंदर से आया हूँ। कुल मिला के हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस अविद्या की वजह से हम लोग ये सब चक्कर में घूमते हैं। तो मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है तो बड़ी बड़ी हंसते हैं बैठ के, अभिमान को प्राप्त करते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। नहीं, हम लोग अभी भी अज्ञानी हैं। जब तक हम हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं करते हैं, संपूर्णतया उससे कन्विंस नहीं होते हैं कि मेरा मूलभूत स्वभाव वो कृष्ण का नित्य दास होना है, तब तक हमारी अविद्या का निराकरण नहीं हुआ है, ये समझना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम हमारे जीवन में प्रतिदिन जीवन पर्यंत जो भी कर्म करते हैं, जिस भी मनोअवस्था को प्राप्त करके करते हैं, वो अवस्था क्या है उसको देखने पर, उसके ऊपर जरा विचार करके हमको पता चलेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी पहचान में हम लोग घूम रहे हैं। अगर मैं मेरे इंद्रिय की तृप्ति के लिए लगा हुआ हूँ, और जरा भी मेरे आत्मा के उद्धार के लिए, मेरे स्वयं के उद्धार के लिए भगवान की सेवा की और प्रगति नहीं कर रहा हूं, तो 100% मैं अविद्या से व्याप्त हूं, संपूर्ण अविद्या में जी रहा हूं। जय श्री जगन्नाथ सुधमाय की। इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करके जीव को अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है। क्या बना देती है? गधा। गधा क्या करता है पता है? गधा का एक कहानी बहुत फेमस है, बहुत प्रख्यात है, गधे को सामने से गाजर लटका देते हैं सब। कभी अप्रैल आया ना, सबको पता चलेगा, वो गाजर दिखेगा सबको। कितने लोगों को गाजर दिखेगा अप्रैल में? अप्रैल में क्या आता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं क्या आता है, देखो पता चलिए इंक्रीमेंट होता है ना, पगार बढ़ती है सबकी, वो गाजर के जैसा लटकता रहता है, और हम लोग उसके पीछे। वो बीच में टेलीविजन के ऊपर एक ऐड आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट किसका था, लेकिन उसमें वो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए
गिफ्ट देते हैं उसको, प्रेज करते हैं कंपनी में, और इतना बड़ा उसको पैकेज देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ, रिबिन विबिन बांधा हुआ, वो लेके अपनी जगह पे आता है, ऐसा फुगा हुआ दिखाते हैं उसको, वो जो एम्प्लॉई था, जो कर्मचारी था, वो ऐसा फुगा हुआ है एकदम। तो जब वो गिफ्ट पैक खोलता है उसको, ऐसे करके खोलता है, तो बड़ा बॉक्स है, उसको खोल दिया, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, लास्ट में इतना छोटा बॉक्स निकलता है उसमें से। और जब वो खोलता है तो अंदर क्या निकलता है? पीनट, पीनट सिंगदाना। तो उसकी पूरी हवा निकल जाती है वहां पे। हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमारे मालिकों को खुश करने में लगे हैं, या तो पुत्र इत्यादि को खुश करने में लगे हैं, पत्नी को खुश करने में लगे हैं, पत्नियां पति को खुश करने में लगी है, हर कोई एक दूसरे को खुश करने के लिए लगा हुआ है। क्यों? सेवा भावना है, स्वार्थ है? सेवा भावना नहीं है, स्वार्थ है कि पत्नी को खुश रखूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, पति को खुश रखूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, पुत्र को खुश रखूंगा तो पुत्र बाद में देखेगा, है ना। पुत्र भी पिताजी को करता है, भाई पिताजी सब उनकी मांगे पूरी कर रहे हैं। हम लोग मालिक को खुश करने के लिए प्रयत्न करते हैं क्योंकि कुछ चाहिए हमको। ये पूरा का पूरा संसार में, भौतिक संसार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का संबंध है। और फिर लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता तो हवा निकल जाती है। वाल्मीकि जब वाल्या लुटारा स्टोरी सुना है ना सबने, सबको मार मार के पैसा कमाता था, तो उसको पूछा, भाई क्यों ऐसा कर रहा है, इतना पाप क्यों कर रहा है? बोलता, मेरा परिवार है, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा ना। तो बोला, लेकिन आपके पाप के भागीदार वो लोग बनेंगे? बोला, हाँ क्यों नहीं बनेंगे, इतना विश्वास, बनेंगे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बोलने में क्या जाता है। बोला, जाओ पूछा, पूछ के आओ। पूछने गए तो क्या बोले? नहीं भाई नहीं, तुम कैसे भी करो, परिवार का पालन करो, वो तुम्हारा काम है, हम लोग तुम्हारे पाप में क्यों भागीदार बने। खैर आजकल की पत्नियां तो अच्छी है, झूठ बोल देंगी, नहीं हम लोग ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले क्या था, उतना झूठ नहीं बोलते थे सब लोग, अभी बहुत बोलते हैं। वो सब जो नोटबंदी हुआ था ना, तब सब झूठ बाहर आया था, 500 और वो 1000 या 2000 के नोट के रूप में, है ना, हर एक घर से निकला होगा कुछ ना कुछ, हर एक घर से। तो ये यहाँ पे जो भी संबंध है स्वार्थ का है, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो स्वार्थ छोड़ दो, उनको सेवा मत करो, ऐसा नहीं। लेकिन सेवा करने की भावना, उसके बारे में जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, तो अगला एक भजन है उसमें परिवार जनों को कैसे संतुष्टि करनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर उस टाइम पे ये बताते हैं वो भजन में कि ये जो मेरे परिवार जन है वो सब आपके दास और दासियां हैं, और मैं उनका सेवक हूं क्योंकि वो आपके दास और दासियां हैं। इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पति है, इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके दास है। तो ये भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको वो परिवार दिया है। परिवार क्यों दिया है? ताकि आप मिलजुल के उनके साथ भगवान की सेवा कर सके। क्योंकि हम सबके पिता कौन है? घर में जो सबसे बड़ा होता है, अभी तो वो कल्चर खत्म हो गया भारत में, लेकिन अभी भी ये उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे या मध्य प्रदेश का जो ऊपर का भाग है वहां तक जाएंगे तो वो देखने को मिलता है कि घर में जो सबसे बड़ा होता है उसके अनुसार पूरा घर चलता है। लास्ट डिसीजन उनका रहता है, फिर वो पिताजी है, पिताजी के बाद जो बड़ा भाई है वो, ऐसे करके वहां पे वो घर में डिसीजन होते हैं और सब लोग उस प्रकार से रहते हैं नीति नियम में। तो जब मैं भक्तों के साथ नहीं जुड़ा था, खास करके इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, तब मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कैसा जीवन है इन लोग का, बंदे बंदे रहते। क्योंकि मेरे घर में खुद में ऐसा था, मेरे दादाजी जो थे उनका वर्चस्व चलता था और मैं थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी का था पहले से, तो मेरे को वो सब जमता नहीं था। लेकिन वो हमारा कल्चर है। तो हमारे घर के सबसे बड़े कौन है? कौन है? मैं पूछ रहा हूं, कौन है? कौन? डर क्यों रहे हो बोलने में? कृष्णा? पक्का? ठीक है। घर में उनकी अवस्था क्या है? कोना वोना दिया है कि नहीं? थोड़ा एक कोना दिया हुआ है ना, दिया है? दिन में कितनी बार भोजन दिया जाता है उनको? घर से निकलने से पहले पूछा जाता है? वापिस आके कुछ बताया जाता है? बोलने के लिए है ये। कृष्णा भावना भावित नहीं है। कृष्णा भावना क्या है? ये कृष्णा हम सबके स्वामी हैं और हम सब उनकी सेवा के लिए बने हैं।
ये सही विद्या है, तो ये प्राप्त करनी चाहिए। तो हम गधे बन गए हैं क्योंकि हम इस अविद्या को प्राप्त किए हुए हैं कि ये जीवन जो मुझे मिला है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है, क्योंकि हमको तो ज्ञान वही दिया गया है, पैसा कमाओ और अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करो। आगे बताते हैं, गधे की भांति मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ बहुत समय तक ढोया, अब मैं वृद्ध हो गया हूं तथा शक्ति के अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे जीवन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, पूरे जीवन मैंने क्या किया, इस अविद्या के चक्कर में परिवार का पूरा बोझ ढोया, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया, और अब मैं क्या हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, और अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सभी की सभी इंद्रियां जो है वो कैसी हो गई है, शक्ति विहीन हो गई है। जो वृद्ध है उनको पता चलेगा कीर्तन में नृत्य करना है नहीं कर पाएंगे, अच्छे से प्रसाद पाना है तो नहीं खा पा पाएंगे, है ना। तो काफी तरह की समस्याएं विद्वतों में आती है। गधे का जीवन तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। उसको उस ज्ञान को आत्मसात करना जरूरी है। किस ज्ञान को? कि मैं किस तरह से जीवन जी रहा हूं। हमको है ना हमारे जीवन के अंदर में झांक के देखते रहना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं कि हम लोग सोचते ही नहीं कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, कितना समय मैंने सदुपयोग किया और कितने समय का मैंने दुरुपयोग किया। हम लोग कभी इसका आकलन नहीं करते। वो आकलन करेंगे ना तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दुख होगा कि मैंने इतना समय व्यर्थ व्यतीत किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आज रात को सोया तो कल सुबह उठूंगा कि नहीं। तो हर एक हमारा समय का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है और उसका सदुपयोग उसी प्रकार करना चाहिए। एटलीस्ट ये ज्ञान जब हम आत्मसात करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जब बार बार इसको पढ़ते हैं बार बार इसको सुनते हैं, तो इवन कठिन परिस्थितियां जहां पे ना चाहकर भी हम लोग समय नहीं निकाल सकते, उस अवस्था में भी हमारा जो मन होता है ना वो नित्य निरंतर कृष्ण की सेवा का स्मरण करते रहता है। ये हम सबका अनुभव है कहीं ना कहीं। जैसे 16 माला का नियम है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 16 माला का नियम है। अब कोई अवस्था ऐसी हुई कि उस दिन आप पूरे दिन में 16 माला नहीं कर पाए, सुबह नहीं कर पाए, दोपहर को नहीं हुई, तो आपको पूरे दिन क्या रहता है, वो मानस में चिंतित रहता है, अरे भगवान की जप करना बाकी है, भगवान का नाम जप करना बाकी है, भगवान ये नित्य निरंतर भगवान की सेवा के लिए स्मरण रहता है कि भगवान का नाम जप करना है। होता है कि नहीं? अगर गलती से किसी दिन कहीं बाहर चले गए, कुछ हो गया, प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भले कितना भी अच्छा आइटम सामने आ जाए, अच्छा सा भोग आ जाए सामने, उपभोगी हुआ, भगवान का तो ऑफर होता नहीं है बाहर का होटल वगैरह का, तो उसको उस तरह से हम लोग कभी भी आनंदित होकर नहीं पा सकते हैं जितना वो प्रसाद होने पर पा पाएंगे। वो उसका निवाला लेते टाइम कितना भी प्रार्थना कर लो, भगवान अभी ऐसा हूँ, बाहर हूँ, ऑफर नहीं कर सकता हूँ, कृपा करो मुझे ये स्वीकार करने दो, लेकिन फिर भी मन में वो कचाट रहती है, अरे पाप खा रहा हूँ, अरे पाप खा रहा हूँ। होता है कि नहीं होता? अगर कहीं पे प्रसाद नहीं मिला और कुछ बाहर का खाना पड़ा तो ये मन में व्यथा होती है कि नहीं होती है? तो कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, एक विरह है ना उनका, ये होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हमें ये ज्ञान होगा। लेकिन क्या करें ना, समय नहीं है, सिर्फ प्रति रविवार को समय मिलता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही है कि नहीं? अब जब ये ज्ञान ही नहीं होगा, हमारे स्वरूप की स्मृति ही नहीं होगी, तो उसका कर्तव्य कैसे पता चलेगा? और कर्तव्य पता नहीं चलेगा तो फिर हो गया, भौतिक कृत्य में लगे रहेंगे। अब मेरा जीवन मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद बन गया है। क्यों पता है कष्टप्रद क्यों बना? क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं मेरे जीवन में। जो जीवन मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए था, उनके भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए था, वो मैंने किया नहीं, और मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, तो अभी कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो भक्तों को ऐसा कष्ट होता है, और अभक्तों को कैसा कष्ट होता है? हाय हाय, मैंने कुछ भोगा ही नहीं, ये रह गया, वो रह गया, फलाना रह गया, ढिकना रह गया, और अभी तो दांत है नहीं, सुनाई देता नहीं है, देख सकता नहीं हूं, तो अब भक्तों के जीवन में ऐसा कष्ट रहता है। ये तो मैंने मेरे नजरों से देखा हुआ है, मेरे एक रिलेटिव में मरते समय उनको ये टेंशन है कि मेरे बच्चों में बन नहीं रही है, पैसा धूम है, बहुत बड़ी मिलकत है,
लेकिन क्योंकि उनके बच्चों में नहीं बन रही है, वो झगड़ कूट रही है बेचारा मरते मरते लियो। और भक्त लोग कितनी सुंदर अवस्था में मरते हैं, भगवान का नित्य स्मरण करते हुए, अरे मैंने इतने अगर अपराध भी किए हैं, समझो चलो भक्ति में रह के अपराध भी हुए हैं भक्तों के, उसका भी तो पश्चाताप हो रहा है ना। ज्यादा जोश आ गया। बैक टू द पॉइंट। तो हाँ, कष्ट पद बन गया है, मेरी शिक्षा मेरी अविद्या का कारण बन गई है। जो ये भौतिक शिक्षा मैंने प्राप्त करी थी वो मेरी अविद्या यानी मोह का कारण बन चुकी है। मुझे सही क्या गलत क्या वो समझ में नहीं आया, और ये अविद्या अभी भी मोह तो रहेगा, एकदम से जाएगा नहीं। मेरी अविद्या मुझे तीव्र वेदना दे रही है, मानो मुझे तीर मारा गया हो। इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। देखिए लास्ट में जो उनको रियलाइज हो रहा है वो बता रहे हैं कि जितना भी धन मैंने अर्जित किया हो, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, कहीं से भी धन के अलग अलग प्रकार हम लोग गिन सकते हैं, हमारा वैभव जो है यश के रूप में या तो स्वास्थ्य के, जो भी है भौतिक वस्तुएं जो हमने प्राप्त करी है जिसको हम अपना धन मानते हैं, पति पुत्र इत्यादि जो स्नेही जन है, रिलेटिव्स है, हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि यही हमारा सही धन है, पैसा तो आज है कल नहीं है, हाथ का मैल है, रिलेशन मजबूत होना चाहिए, संसार मतलब जो अपना परिवार है वो एकजुट होना चाहिए, हमारा मुख्य धन है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सब धन बकवास, सबसे बड़ा धन क्या है, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय, दूसरा कोई बड़ा धन नहीं। ये उनको तो लास्ट में रियलाइज हो रहा है और हम लोग उसको अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, रियलाइज तो नहीं हुआ क्योंकि अभी घर जाएंगे तो फिर चालू, यहां से उठ के जाएंगे तो फिर वही इंद्रिय तृप्ति के पीछे मन डोलेगा, आहा, 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 ये पाऊं वो पाऊं, होगा कि नहीं। तो इसको सतत स्मरण होना चाहिए विद्या का कि मैं कृष्ण के चरणों का दास हूं। अतएव भक्ति विनोद ठाकुर समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते हैं। तो लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं, आगे के श्लोक में आगे का जो भजन था उसमें भी वही लास्ट में यही बता रहे हैं, अभी यहाँ पे फिर से वो बता रहे हैं कि मैं बहुत कष्ट प्राप्त किया हूँ ये मोह की वजह से, और अभी मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ कि मतलब मैं अभी समझ पाया हूँ कि आपके चरण कमलों की आश्रय ही सर्वोच्च पद है या तो सर्वोच्च धन है या सर्वोच्च आश्रय स्थान है, और मैं उनकी ग्रहण शरण ग्रहण करता हूं। यहाँ पे ये भजन संपूर्ण होता है, आगे जो भजन है वो इसको थोड़ा इसी विषय को थोड़ा आगे लेके जाता है, किस प्रकार हम लोग हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ये विद्या हुई लेकिन ये अविद्या की वजह से हमारा जीवन हम लोग कैसे व्यर्थ कर रहे हैं उसका थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं, वो फिर कभी सेवा का मौका मिलेगा तो इसको डिस्कस करेंगे, अभी समय ज़्यादा हो गया है तो समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, आप लोग क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलती हुई हो तो, और अगर किसी को कोई टिप्पणी करनी है या कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।